पता है कि आपका व्हाट्सएप कौन यूज कर रहा है, किस डिवाइस में यूज कर रहा है, और आप जिससे चैट करते हैं और वो चैट कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो आपको पता नहीं है, तो आपको मैं दो ऐसे तरीके बताऊंगा, बिल्कुल लीगल तरीके हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप से देख सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप आपके मोबाइल फ़ोन के अलावा किस डिवाइस में चल रहा है। साथ में आपके चैट अगर कोई पढ़ रहा है तो किस माध्यम से आपके चैट पढ़ रहा है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। जैसे आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको चैट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे चैट बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, चैट बैकअप आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी लॉगिन होगी यहाँ पर दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे चेक क्या करना है कि जो भी यहाँ पे जीमेल आईडी लॉगिन है वो तो आपको ज़रूर पता ही होगी। अगर कोई ऐसी जीमेल आईडी है जो आपको नहीं पता है, आपको लगता है ये मेरी नहीं है, तो आप उसे यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ऐड एक अकाउंट का ऑप्शन दिए हुए है। मान लीजिए कि आपका दोस्त है या कोई ऐसा घर में पर्सन है आपका फ़ोन ले लेता है, लेने के बाद यहाँ से वो अपना ऐड अकाउंट कर देता है, तो उसको आराम से पता चल सकता है कि आप किससे चैट करते हो, आपके चैट का बैकअप अपने जीमेल में लेता रहेगा। तो आप पहला तरीका ऐसे चेक करना है कि अगर आपके अलावा कोई दूसरी यहाँ पर जीमेल है तो यहाँ से उसे रिमूव करना, लॉग आउट करना है। दूसरा तरीका क्या है, तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोबारा से आपको इस थिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिंक्ड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सअप वेब दिखा रहा हो, तो आप अपना व्हाट्सअप अपडेट कर लीजिए तो लिंक डिवाइस दिखाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम विंडोज, यानी कि मेरा व्हाट्सएप किसी विंडो यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन किया गया है। तो जैसे मैं इस पर करूँगा क्लिक तो यहाँ पे देखा एक्टिव दिखा रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मेरा व्हाट्सएप मेरे मोबाइल के अलावा किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में रन हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपके फ़ोन में ऐसा कुछ है और आपके अनुमति के बिना, आपके जानकारी के बिना कोई ऐसा कर रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। जैसे आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो जो बंदा होगा व्हाट्सएप में अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपका व्हाट्सएप ओपन किया होगा तो वहाँ से उसका ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको ये तरीका करना, चेक करना। दूसरा तरीका, तो आप जैसे कर देंगे तो सिंपल आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। अगर आपके फ़ोन में इस तरह का पेज दिख रहा है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप इन तरीकों से बचना चाहते हैं तो आपको एक मैं सेटिंग बताऊंगा। अगर वो सेटिंग आप अपने फ़ोन में कर लेते हैं व्हाट्सएप में, तो आपका व्हाट्सएप आपके मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे फ़ोन में भी नहीं चला पाएगा। तो आपको करना क्या है, दोबारा इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कोई भी आप यहाँ से अपने मन मर्जी मुताबिक कोड बना सकते हैं, तो मैं कुछ भी बना लेता हूँ। यहाँ पर बनाने के बाद आपको दोबारा से कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद डन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एक डालनी है, तो यहाँ पर अपनी मैं ईमेल फिल कर लेता हूँ। ईमेल फिल करने के बाद आपको डन कर देना।